ओंग, मैं आपका दोस्त विनय और आज जो चीज़ के लिए बात करने के लिए जा रहा हूँ बहुत ही मैं एक्साइटेड हूँ। वो चीज़ है, देखिए बहुत आदमी जो बोलता है, मैं बहुत जगह में क्लास लेने के लिए जाता हूँ जो आका, तो बहुत आदमी जो मेरे को बोलता है, जनरल क्वेश्चन है वो लोग के अंदर में, जी योगा क्यों करेंगे? और भी तो बहुत सारा एक्टिविटी है, मॉर्निंग वॉक है, जिम है और भी बहुत सारा डायनेमिक एक्सरसाइज रहता है, वो छोड़ के योगा क्यों करेंगे? तो उसके लिए मैं पहले बता देता हूँ, योगा जो है कंप्लीट एक्सरसाइज है। योगा ओनली शरीर के लिए नहीं है, वो शरीर मन और उसका बियॉन्ड में भी जाएंगे, वो सोल आत्मा को भी वो कनेक्ट करता है। और मेरा ये चैनल का मकसद है तीनों चीज़ को कैसे कनेक्ट करके अलाइनमेंट करके ज़िंदगी को बेहतरीन वे में जिएंगे, वही मेरा मकसद है, वही चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। वीकली बेसिस में देखिए मैं एक एक तो वीडियो रिलीज़ करता हूँ। तो चलिए जो चीज़ के बारे में, योगा क्यों करेंगे? तो योगा के लिए पहला जो चीज़ है वो कंप्लीट एक्सरसाइज है। कोई भी देखिए, आप मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, आप जिम कर रहे हैं, ओनली शरीर के लिए हो रहा है, ब्रीदिंग के ऊपर नहीं हो रहा है, मन को स्टेबल नहीं करता है। और एक चीज़ में ध्यान दीजिएगा, हम लोग का ये शरीर से ओनली शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है, शरीर और मन मिलते हुए एक सिस्टम बना हुआ है। ये सिस्टम जब ठीक से काम करता है और उस टाइम बोला जाता है ये शरीर और मन जैसे सिस्टम एक साथ काम करता है, उस टाइम एक आदमी ठीक से उसका जिंदगी यापन करता है। तो शरीर और मन को कनेक्ट करना, लिंक करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आपको योगा लाइन माना पड़ेगा। योग छोड़ के दूसरा और भी कोई लाइन नहीं है जो दोनों चीज़ को आपको कनेक्ट करेगा। तो ज़रूर आपको योगा करना है, रेगुलर बेसिस में करना है। और एक एंगल से मैं बता रहा हूँ, देखिए योग और आयुर्वेद जो है ये आपका सिस्टम में काम करते हैं, मतलब बेसिक में काम करते हैं। हम लोग का शरीर जो है 11 सिस्टम, 9 सिस्टम, 13 सिस्टम, कोई जगह में 11 का उल्लेख है, कोई जगह में 9 का उल्लेख है, कोई जगह में 13 का उल्लेख है। तो आप बेसिकली सोच लीजिए, 9 सिस्टम से हम लोग का ये शरीर बना हुआ है। जैसे हम लोग का हो गया लिम्फेटिक सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, कार्डियोलॉजी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, तो ऐसे वैरायटीज टाइप का जो सिस्टम है उससे हम लोग का शरीर बना हुआ है। योगा करने से क्या होगा, वो सिस्टम के ऊपर सुधार आएगा, मतलब आपका बेस लाइन में सुधार आ जाएगा। अब दूसरा कुछ करेंगे, जैसे योगा और आयुर्वेद छोड़ के अब दूसरा एक्सरसाइज भी करेंगे, दूसरा कुछ आप ट्रीटमेंट भी लेंगे, जैसे मोडर्न आप ट्रीटमेंट ले रहा है वो ओनली सिम्टम्स में काम करता है, मतलब जैसे आपका सिर दर्द हुआ उसका दवाई दे देता है, लेकिन आपका पेट का प्रॉब्लम हुआ पेट के लिए दवाई दे देता है। और योगा करना और आयुर्वेद का लाइन में आप जाएंगे तो ये बेस में काम करता है, सिस्टम में जाके काम करते हैं, तो आपका बेस से वो चीज़ हीलिंग होना शुरू हो जाता है और आप संपूर्ण रूप से वो बीमारी से आपको मुक्ति मिलता है। तो इसलिए आपको योग जरूर करना है। तो योग को आप जरूर प्रैक्टिस कीजिए, रेगुलर बेसिस में कीजिए और एक टाइम शेड्यूल कर लीजिए, ये टाइम शेड्यूल में मेरे को योगा को प्रैक्टिस करना ही है। तो करते रहिए, देखिए आपका बहुत ही लाभ मिलेगा, जो कोई भी चीज़ में इतना आपका लाभ नहीं मिलता है। मैं खुद करता हूँ, मैं खुद देख रहा हूँ, मेरा लगभग 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस हो गया, मैं कंटिन्यू करते जा रहा हूँ, इतना लाभ मिल रहा है। तो मैं धीरे धीरे सबको बताने के लिए चैनल बनाया और धीरे धीरे मैं वही चीज़ का ऊपर काम कर रहा हूँ। तो ज़रूर आप समझ गए होंगे जो योग को कैसे क्यों करना है, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया है। तो ज़रूर आप योग करते रहिए और सबको ये चीज़ को बताइए, वीडियो को शेयर कीजिए दूसरे के साथ। वीडियो देखने के लिए अशेष अशेष धन्यवाद और मैं जल्द मिलेंगे आपको एक नया वीडियो, नया ऊर्जा के साथ। तब तक डेली बेसिस में आसन प्राणायाम करते रहिए, मतलब योग करते रहिए, खुद खुश रहिए, दूसरे को खुशियाँ बांटते रहिए, खुद स्वस्थ रहिए और दूसरे को स्वस्थ रहने के लिए प्रेरित कीजिए। ओम।